हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है, सेशन आपके 2021 एंड 22, और सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वन वीक पहले जो था, सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस था वो क्या अनाउंसमेंट कर दी थी कि एग्ज़ाम्स थे कि वो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड दो टर्म में होंगे। तो फाइनली आपका जो सीबीएसई ने सिलेबस अनाउंसमेंट कर दिया कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सेकेंड टर्म में आपका पेपर सब्जेक्टिव आ रहा है। तो अभी आज जो हम करेंगे वो हिस्ट्री का कर रहे हैं, क्लास 12th। तो गूगल पे जैसे टाइप किया तो यहाँ पे आ गया सीबीएसई क्लास, यहाँ पे इतने सारे लिंक आते हैं, किसी पे भी आप क्लिक कर लोगे लाइक दिस। जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे आपका न्यू ओपन हो गया, आ जाएगा यहाँ पे जैसे हिस्ट्री का ओपन आ गया, ठीक है। तो उसी पीडीएफ में बेटा आपका क्लास 11th का होता है और नीचे ही उसमें क्लास 12th का, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री कोड है आपका 027, आपका 27, क्लास आपके 12th, सेशन आपका 2021 एंड 22, ठीक है। अब आपका थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, कि आपके जो भी तीन बुक्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट हुए, कुछ बुक्स में से पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है, लेकिन हिस्ट्री और पावर साइंस में से है कि क्या था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है, लेकिन पूरा कंप्लीट चैप्टर वो आ रहा है। तो हम यहाँ पे थे, तो आपके पेपर मैं बता ही चुकी हूँ कि वो आपका कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है, आपके मिनट्स हैं 90, ठीक है, 90 मिनट्स इन इट्स मीन कि आपका वन एंड ए हाफ आवर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि चैप्टर्स के नेम बता देती हूँ मैं बेटा क्या है। फर्स्ट है थीम ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्स, सेकेंड आएगा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, थर्ड आएगा किनशिप कास्ट एंड क्लास, फोर्थ आएगा थिंकर ब्रेव एंड बिल्डिंग्स, फिफ्थ आ रहा है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, एंड एक और आ रहा है आपका सिक्स आ रहा है एंड इम्पीरियल कैपिटल, ठीक है। तो ये आपके जो छह चैप्टर्स है, अब देखो चैप्टर वन है ब्रिक्स बीड्स एंड बॉन्स, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, कैनशिप कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स ब्रीफ एंड बिल्डिंग, ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग के जो चार चैप्टर्स है बेटा वो आपके आ रहे हैं 25 मार्क्स, ठीक है। एंड लास्ट के दो चैप्टर्स है भक्ति सूफी ट्रेडिशन एंड इम्पीरियल कैपिटल, ये दो चैप्टर सारे 15 मार्क्स में, तो टोटल आपका हो गया 40। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके नीचे एक चीज़ और बताती हूँ कि जो आपका इंटरनल जो असेसमेंट है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें आपकी फाइल भी होगी, आपके पीटी भी होगा, आपका सीटी भी होगा, आपका क्लास बिहेवियर भी होगा, अटेंडेंस भी होगी आपकी, ठीक है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो ऑल आर की जो भी है वो आपका 10 मार्क्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। और एक सेकंड टर्म के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, कि जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सिलेबस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो फाइल है उसका आपको देखो कि सीक्वेंस क्या रखनी है, चूज ए टॉपिक एंड टाइटल की आप क्या क्या टॉपिक, तो टॉपिक क्या बनाते हैं कि जो आपके चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स के लिए भी वो प्रिपरेशन हो जाता है और फाइल वर्क भी हो जाता है। सेकेंड आता है आपका कलेक्शन ऑफ रिसर्च मटेरियल डाटा, थर्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल डाटा, फोर्थ है प्रेजेंट मटेरियल डाटा, एंड लास्ट नेक्स्ट एनालिसिंग द मटेरियल, नेक्स्ट आता है ड्रॉ द रेलिवेंट, एंड नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द फाइल, कि फाइल की आपकी सीरीज जो सीक्वेंस होगी वही होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत मैंने अच्छे से डीपली से आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे आपको पेपर आएगा, ठीक है। और ऐसे एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सेकंड टर्म के लिए बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।